नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, ठंड का मौसम जैसे ही आता है, ठंड के मौसम में आपके नाक बहने लग जाती है, नाक बहने के साथ में सर दर्द भी होने लग जाता है, कई बार सर दर्द के साथ में गले में दर्द होने लग जाता है। जब गले में दर्द होता है तो दोस्तों खांसी आने लगती है, खांसी आने के समय में कई बार आपको खांसी इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, कठिनाई होने लग जाती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में खांसी की दवा कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी जनरली दी जाती है? तो दोस्तों, एक दवा का नाम आता है ब्रोजेडेक्स कफ सिरप, जो एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप होता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इसका मतलब ये देखिएगा, इसमें क्या क्या होता है, ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करेगी, हम कौन सी बीमारी में ले सकते हैं, ड्राई कफ में लेंगे या वेट कफ में लेंगे या बलगम वाले कफ में लेंगे, या कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और इससे रिलेटेड कौन से की कंफ्यूजन है, उन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ये आज वीडियो बनाया है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को जितना हो सकता है शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की जानकारी अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को देंगे तो वो और अच्छे से दवा को ले पाएंगे। दवा जब अच्छे से लेंगे, प्रॉपर तरीके से लेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप जल्दी से ठीक होकर हेल्दी रहें, यही चैनल का मोटो है, यही मेरा मोटो है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें ब्रोजेडेक्स में क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन सी दवाइयां होती है। तो जब बात कौन कौन सी दवाइयों की होती है, तो इसमें पहली दवा होती है टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन दूसरी दवा, ग्वेनफेसिन तीसरा, और मेंथोल, ये चार दवाइयां होती है जो इस दवा में मिक्सिंग के तौर पे रहती है। अब बात करते हैं कि दवाइयां कैसे काम करती है हमारे शरीर में, मतलब आप यदि समझ जाएंगे तो ये दवा किस तरह से हमारे शरीर में जाके काम करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा, हमारे जो लंग्स में जो ब्रोंकाई होता है वो खांसी के समय सिकुड़ जाता है, कुड़ने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी चलती है। दोस्तों, टर्ब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन दोनों क्या करती है, इस ब्रोंकाई को थोड़ा सा चौड़ा कर देती है, इसकी सिकुड़न को सही कर देती है। तो दोस्तों, सांस पेशेंट को आराम से आने लगता है, तो सांस जब आराम से आने लग जाता है तो यहाँ पे जो सेंसिटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से खांसी चलती है, वो खांसी कम चलने लग जाती है। इसका मतलब खांसी कम चलेगी तो कफ आराम से बाहर से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये दवाएं काम करती है। तो दूसरी दवाइयां जब आती है दोस्तों, कौन सी दवा की बात कर रहा हूं दोस्तों, मेंथोल क्या होता है, यहां हमारे कफ लगा रहता है तो यहां पे गले में खराश होती है, उस खराश से आराम दिलाता है, ये बहुत रिलीफ करता है। दूसरी दवा होती है दोस्तों ग्वेनफेसिन, तो ये क्या करता है, जो हमारे गले में कफ जमा हुआ है उस कफ को क्या करता है, ये तोड़ के धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायक होता है। तो यदि आपकी जब कफ बाहर निकल जाएगा तो आपको खांसी में राहत मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों, दोनों ये चारों दवाइयाँ कौन कौन सी, ग्वेनफेसिन, मेंथोल, टर्ब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन, ये चारों दवाइयाँ खांसी को बहुत अच्छे से ठीक करती है, गले की खराश को कम करती है, कफ को बाहर निकालती है, और आपकी ब्रोंकस जो सिकुड़ गई खांसी के समय उसको थोड़ा चूड़ा कर देती है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, यहां से अब आपको शायद समझ में आ गया कि हम कौन कौन सी बीमारी में इसको काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला यह आता है कफ वाली खांसी में इसको जनरली यूज किया जाता है, मतलब आपको बलगम बाहर निकलता है तब इस दवा को यूज किया जाता है, ड्राई खांसी में या सूखी खांसी में इसको यूज जनरली नहीं किया जाता है। उसके बाद में यदि आपको गले में खराश हो रही है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, और गले में दर्द हो रहा है जो खांसी की वजह से उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सारी की सारी इसकी खासियत। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि कोई भी दवा लेते हैं तो आपके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट दोस्तों, आपको वोमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, वोमिटिंग का मतलब आपको नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशन हो सकती है, उस तरह से आपका पेट खराब हो सकता है, पेट खराब के साथ में आपका पेट दर्द भी हो सकता है, आपको डायरिया वाली सिचुएशन हो सकती है, दस्त वाली सिचुएशन हो सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, दोस्तों नींद आने की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि इस दवा को लेने से सेडेशन का इफेक्ट आता है दोस्तों, और मुंह में सूखापन भी आता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी होती है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये साला कि सारे के सारे साइड इफेक्ट आपको बहुत नॉर्मल होते हैं, वेल टॉलरेट होते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ ऐसा लगे को मुझे साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर दवा लें, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना।
दोस्तों अब बात करते हैं ब्रो जेडएक्स की के साथ में आपको कौन सी सावधानी रखनी होती है। तो आपको मेरी आपसे सलाह है कि डॉक्टर की सलाह से ही आप इस दवा को लें ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और पूरी दवा और पूरी डोज के तौर पे लें ताकि आपको जल्दी आराम होए, क्योंकि आप पूरी डोज और पूरी दवा लेंगे तो जल्दी ठीक होएंगे। यही एलोपैथी का एक कंसेप्ट होता है दोस्तों। इस दवा को आपको खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। उसके बाद में आपको इस दवा के साथ में शराब बिल्कुल भी नहीं पीना होता है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ में गर्भवती माँ को भी इस दवा को अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर से कोई दूसरी दवा लेनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। बच्चे की माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है उस दवा को ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही लें, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दोस्तों। इस दवा से यदि आपको एलर्जी है तो आपको इस दवा से उन दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इस दवा को आपको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को उस टाइम बता दीजिए, आप अलर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये दवा आपको लीवर और किडनी को डैमेज कर सकती है जब इससे रिलेटेड आपकी समस्या पहले से है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड और कौन कौन से कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला कंफ्यूजन है कि जनरली ये देखा जाता है कि ब्रोजेडक्स को लेना सुरक्षित है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लेना इसको सुरक्षित है। शर्त यह है कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तभी आप इस दवा को लें ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर आता है दोस्तों ब्रोजेडक्स लेने के बाद यदि आराम नहीं आए तो क्या करें। तो दोस्तों जनरली इस दवा को लेने से आपको इमीडिएटली रिलीफ हल्का सा मिलेगा, लेकिन कम से कम 3 दिन लेना होता है तब जाके आप उसको आराम मिलेगा दोस्तों। फिर भी यदि आपको आराम नहीं आए तो डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें और आपको कोई दूसरा ऑल्टरनेट दवा लें। उसी तरह से दोस्तों क्या इस दवा को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या? दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया, इस दवा को डॉक्टर प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ध्यान रहे इस दवा को आपको नहीं लेना, डॉक्टर से दूसरा कंसल्ट करके कोई दूसरी खांसी वाली दवा लें ताकि आपको बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। उसी के बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, क्या इस दवा को लेके हम ड्राइविंग कर सकते हैं क्या? दोस्तों आपको मैंने बताया था इस दवा को लेने से सेडेशन आता है, तो सेडेशन का मतलब होता है नींद आने जैसी शिकायत। तो दोस्तों इस दवा को लेके आपको ड्राइविंग या नहीं करनी चाहिए, या कोई हैवी मशीनरी नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो आपको कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सुरक्षित रहिए, इस दवा को लेके आपको रेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये ब्रोजेडक्स के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही दवा खरीदें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पूरा का पूरा नॉलेज मिले, वो नॉलेज को आप अप्लाई करें ताकि आप बहुत जल्दी सुरक्षित ठीक हो जाए। दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को जितना हो सकता शेयर करें, और यदि आपको काम अच्छा लगा तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंस।